ओ जी, अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो क्वेश्चन नंबर है वो 2, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि हमारे पास है 12.2, जो सिन टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। और ये वीडियो जो है हमारे पास परफेक्ट फिजिक्स की तरफ से है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 एक्सपोनेंट -4 एंड 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दो चार्ज हैं, ये जो हमारे पास प्लस है और माइनस है, ये सिर्फ हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो दो चार्ज हैं वो दोनों, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। इन सिग्नेचर को हमारे पास ये जो साइन है इनको मैग्नीट्यूड में शो नहीं करना, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि एक जो साइन है हमारे पास पॉजिटिव है, चार्ज है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव। और इन दोनों के दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखा है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अ चार्ज 6 एक्सपोनेंट 5, 6 एक्सपोनेंट -5, -5 कूलम इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन देम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। यानी कि ये जो दो चार्ज है हमारे पास, इनको हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है, 40 सेंटीमीटर, और इन दोनों चार्ज के दरमियान हम एक और चार्ज लेके आएंगे जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम, और इन दोनों के दरमियान लेके आएंगे। तो हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स है जो हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यानी कि Q1 मिडवे जो चार्ज हमारे पास आया है, जिसको मैं नाम दूंगा Q3, डेटा से समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर, जैसे कि सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमारे पास प्लस है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q1, और दूसरा चार्ज है जो कि मैग्नीट्यूड ने हमें बता दिया कि हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, Q2। और इन दोनों को हमने डिस्प्लेस कितना कराया है, प्लेस कितना कराया है, जो कि हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। अब इसके दरमियान हम एक और चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, इनके बिल्कुल मिड वे में लेके आएंगे। तो मुझे बताओ, अब ये मिड वे में आया तो ये टोटल 40 है, तो इसका आप हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और इस चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q3। तो चार्ज जो है Q1 किसके ऊपर अप्लाई करेगा, Q3। तो कूलम्स लॉ ने आपने पढ़ा होगा, जब Q1 Q3 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको हम कहते हैं F123। अब ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा तो 3 2 2, तो यानी कि फोर्स हमारे पास आएगा 3 2 2। अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना है। तो सेम सिमिलर डायग्राम हमारे पास यहाँ पे। अब डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में हमारे पास क्या है, Q1 Q2 जो कि हमारे पास पहले से गिवेन है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट -4, एंड Q2 का क्या है, एक्सपोनेंट -4, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, सेम है। अब इन दोनों के दरमियान हम एक और चार्ज लेके आएंगे जो कि हमारे पास है Q3, जो कि है 6 एक्सपोनेंट -5 कूलम। अब जो मिडवे में चार्ज आया है, जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि 1 से लेकर 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा R123 हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, और 3 2 2 भी कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है टोटल फोर्स। अब चूंकि हमारे पास है के हमारे पास कॉन्स्टेंट है, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। सॉल्यूशन अब हमारे पास यहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो है ये एफ बराबर है के Q1 Q2 अपॉन R2, ठीक है यहां तक। अब हमें पहले फाइंड करना है कि फोर्स 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास है, जो पहला जो फोर्स है हमारे पास, के पहला चार्ज दूसरे तीसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया फोर्स 1 2 3। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। अब फोर्स हमें फाइंड करना है, के की वैल्यू हमारे पास गिवेन है कितना है, 9 एक्सपोनेंट 9, और Q1 हमारे पास कितना है, एक्सपोनेंट -4, 1 एक्सपोनेंट -4, और Q3 जो हमारे पास है, तो Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 एक्सपोनेंट -5 होल डिवाइडेड बाय R1 × 3 हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 100 के साथ डिवाइड करना है, इसको भी 100 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर, और यहाँ पर आएगा 0.2 मीटर, ठीक है यहाँ तक।
तो हमारे पास ओवरऑल जब इसको कैलकुलेटर में करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1350 न्यूटन, यानी कि 1350 न्यूटन। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास फोर्स फाइंड करना है कि Q3 Q2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास आएगा 4322 K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 322। वैल्यू पुट करो, सिमिलरली यहाँ पे आएगा क्यू वो 9 एक्सपोनेंट 9, 6 एक्सपोनेंट -5, 1 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 0.2। कैलकुलेटर में करो आपके पास आएगा 1320 न्यूटन। अब हमें जो बताया गया है कि फोर्स फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले फोर्स को दूसरे वाले फोर्स के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि Q123 एंड 322, इन दोनों जो हमारे पास फोर्स है दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को प्लस करो, हमारे पास कितना आ रहा है, 2700 न्यूटन। ठीक है यहाँ तक। अब जो कि हमारे पास है वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब डायरेक्शन किस तरफ है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास Q1 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q3 के ऊपर, और Q3 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, U2 के ऊपर। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारे पास कहां पर है, टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है यहां तक क्लियर। यहां तक हो गया हमारे पास आज का लेक्चर। ठीक है, अगर जिस जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने कजन्स के पास, अपने जान पहचान वालों के पास इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि वो इस लिंक से, इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर से।